नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आरती। दिल्ली में एक बार फिर छा रहा है कोरोना का संकट। इस बार बच्चों पर छाया है कोरोना का साया। देश में कोरोना का संकट फिर लौटता दिख रहा है। चिंता की बात यह है कि इस बार इसकी जद में पहले की लहरों के मुकाबले बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। कई मामलों में तो कोरोना के लक्षण हल्के हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से एक 4 महीने का बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक यह बच्चा दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल में 4 महीने का एक बच्चा कोरोना की वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। डॉक्टर ने दी चेतावनी। डॉक्टर सुरेश कुमार ने साफ यह कहा है कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। उनका दावा है कि LNJP हॉस्पिटल में अभी 99% बेड खाली है, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। वह बोले कि अगर माता पिता कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनके बच्चों पर भी कोरोना का खतरा बना रहेगा। दिल्ली में तेज़ी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में गुरुवार रात को कोरोना के 965 मामले सामने आए, जिसमें दिल्ली में फिलहाल कोविड के 2,970 एक्टिव केस है। वही कुल पॉजिटिविटी दर 4.71% हो गई है। इस बीच दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों को एहतियाती डोज मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में भी ऐसा ही तस्वीर सामने आया है। अलग अलग जगह बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। गुजरात के जामनगर में तो 5 साल की बच्ची की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। कई स्कूलों को इसलिए बंद करना पड़ा है क्योंकि वहां छात्र कोविड संक्रमित मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बीते 24 घंटों में 206 केस सिर्फ गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में 150 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नोएडा, गाज़ियाबाद और NCR के आसपास के ज़िलों में कोरोना संक्रमण की दर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,14,000 लोगों की कोरोना टेस्ट किए गए थे। इनमें से 205 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नोएडा, गाज़ियाबाद समेत पूरे NCR में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने की निर्देश जारी कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क हुआ अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी आदेश के तहत NCR से जुड़े सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लखनऊ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर। राजधानी लखनऊ में RT-PCR टेस्ट में कोरोना संक्रमितों की दर में इजाफा होने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।